Hey, what's up everyone? I'm Vikas. Welcome to VTS Tech. तो दोस्तों आज हम लाए हैं Realme XT का कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि Realme अपना एक न्यू फोन लॉन्च करने वाला है जो है Realme XT। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ न्यू मिलने वाला है जो है दोस्तों इसका 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा। और दोस्तों आज के वीडियो में आपको इसके फुल फीचर्स के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे कि जो Realme अपना XT लॉन्च कर रहा है इसमें क्या रहता है, फीचर्स कैसी रहती है, दोस्तों इसकी बैटरी लाइफ, दोस्तों सारी डिटेल्स आपको बताएंगे और इसका रिव्यू भी देंगे कि ये फ़ोन कैसा रहता है और किस प्राइस में पड़ता है और कब लॉन्च होता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं Realme XT का फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। और दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस फोन में जो हमें मेन ऑप्शंस है वो है इसका कैमरा, जो कि हमें 64 मेगापिक्सल का इसका कैमरा मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इसमें ये फोन हमें 6.4 इंच का अमोल्ड स्क्रीन वाला वाटर ड्रॉप नॉच वाला इसका डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ पे भैया हम बड़े आराम से इसे यूज कर सकते हैं। 1080p और 2340p के मतलब रेशियो में हम इसे बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसमें प्रोसेसर की, इसमें हमको क्वालकॉम का 812 वाला सॉस वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जिसके बाद बड़े फास्ट से हम इसी Realme XT को यूज कर सकते हैं और दोस्तों बड़े आराम से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका प्रोसेसर। और अगर हम बात करते हैं इसमें दोस्तों रैम की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट मिल जाता है, 4GB रैम, 6GB रैम और दोस्तों 8GB रैम वाला वेरिएंट मिल जाता है, जहाँ पे इसके स्टोरेज में तो हमें 64GB का और 128GB का स्टोरेज मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे इसकी अगर मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी दोस्तों 2.2 का आप बड़े आराम से 2.2 दोस्तों मतलब SD कार्ड दोस्तों इसमें सपोर्ट हो सकता है, तो आप बड़े आराम से इसमें दोस्तों अपना SD कार्ड लगा सकते हैं। खैर इसमें जो मेमोरी है वो 128GB तक हमको मिल जाएगा। और अगर हम इस बात करें इसके बैटरी लाइफ की तो इसमें दोस्तों हमें 4000mAh की बैटरी मिल जाती है। और दोस्तों इसका जो चार्जिंग है वो 3.0 का सपोर्ट वाले चार्जिंग है, जहाँ पे 20 वाट के चार्जिंग से हम बड़े आराम से दोस्तों Realme XT को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग आपको 3.0 का सपोर्ट वूक वाला मिल जाएगा, जहाँ पे 20 वाट की चार्जिंग से आप बड़े आराम फास्ट अपने इसी Realme XT को चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसमें कैमरे की तो दोस्तों इसमें हमें चार कैमरा मिल जाता है, जिससे बाद दोस्तों हम बड़े आराम से इसमें फोटो क्लिक कर सकते हैं अलग अलग मोड्स में। और दोस्तों काफ़ी न्यू मोड्स हमें इसकी Realme XT में मिल जाएंगे। दोस्तों इन चारों कैमरे में से अगर हम बात करते हैं पहला जो है दोस्तों इसका मेन कैमरा, तो दोस्तों वो है 64 मेगापिक्सल का, जो कि इसका मेन कैमरा है, जो कि दोस्तों सैमसंग का आईसो सेल्स वाला प्राइमरी सेंसर है, जहाँ पे दोस्तों हमें f1.8 का अपर्चर मिल जाता है, जिसके बाद हम बड़े आराम से Realme XT के 64 मेगापिक्सल से कैप्चर कर सकते हैं कोई भी पिक्चर्स। और अगर हम बात करते हैं अगले कैमरे की, दोस्तों हमें अगला कैमरा मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, जो कि दोस्तों 190 डिग्री वाइड एंगल के साथ मिल जाता है, और यहाँ पे जो अपर्चर है f2.25 का इसमें अपर्चर मिल जाता है, जिसके बाद दोस्तों हम बड़े आराम से अल्ट्रा वाइड एंगल में पिक्चर क्लिक कर सकते हैं इसी Realme के XT फोन से। और हम अगर बात करते हैं इसके तीसरे कैमरे की, दोस्तों तीसरा कैमरा हमें मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का, जो कि एक माइक्रो लेंस है, और जहाँ पे हमें इस f2.4 का अपर्चर मिल जाता है। और दोस्तों बात करते हैं अगर हम चौथे कैमरे की, चौथा कैमरा हमें मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का, जो कि एक डेप्थ लेंस है, और दोस्तों इसका जो अपर्चर है इसका भी अपर्चर हमें 2.4 का अपर्चर मिल जाता है। और दोस्तों इसके कैमरे की मदद से हम बड़े आराम से 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी दोस्तों 30 FPS के स्पीड से दोस्तों हम इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो बैक कैमरा है वो तो काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे हम 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसमें फ्रंट कैमरे की, दोस्तों हमें फ्रंट कैमरा भी इसमें 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे तरह तरह के मोड्स तो मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है इसे हमें 1080p फुल HD में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी 30 FPS की स्पीड से। तो दोस्तों इसका जो दोनों कैमरा है, जहाँ पे दोनों जगह दोस्तों आप 30 FPS की स्पीड से इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और दोस्तों काफ़ी बेहतरीन होने वाला है ये फ़ोन। तो और दोस्तों इसमें हमने एक चीज़ बताना आपको भूल गए, इसमें दोस्तों हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जहाँ पे हम बड़े आराम से इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं और दोस्तों अपने फ़ोन को बड़े आराम से सिक्योरिटी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें कलर OS की, दोस्तों इसमें कलर OS 6.0.1 का कलर मिल जाता है, और बड़े आराम से दोस्तों हमें इसे यूज कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों ये हमारे फ़ोन का कलर्स रहेगा। दोस्तों बस यही कुछ है इस फोन का फीचर्स,
दोस्तों मैंने जो ये सारे फीचर्स बताए, ये सारे फोन हमें Realme XT के फोन में मिलेगा। और देखते हैं कि दोस्तों जो Realme XT है इसका प्राइस क्या होने वाली। दोस्तों खैर इसका जो प्राइस इन्होंने अभी नहीं बताया, बस इसके फीचर्स का निकला है। तो दोस्तों हमने आपको इसका फुल फीचर्स रिव्यू कर दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको Realme XT का जो फीचर्स के बारे में सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों आप Realme XT के सारे फीचर्स के बारे में जान गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।